जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, क्या हाल हम सभी के। दोस्तों, इंडिया एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि अब इंडिया के अंदर सेमी कंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर होनी चालू हो जाएंगी। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। इस कंपनी ने ताइवान की एक कंपनी फॉस्कॉन के साथ कोलैब किया है और ये दोनों कंपनीज $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स। आप लोगों को बता दें कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, लेकिन इन डिवाइसेस में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया अभी तक इंपोर्ट करता आया है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप लोगों को बता दें कि 2020 तक इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट $15 बिलियन की थी, लेकिन यही मार्केट 2026 तक $62 बिलियन की होने वाली है। इसलिए जो कंपनी इस फील्ड में सबसे पहले कदम रखेगी, जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। वेदांता और फॉस्कॉन, ये दोनों कंपनीज $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं इंडिया के अंदर, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का वो लगेगा गुजरात के अंदर। आप लोगों को बता दें कि ये जो वेदांता कंपनी है ये एक माइनिंग कंपनी है जो गोल्ड और एल्यूमिनियम की माइनिंग करती है। इसके अलावा आप लोगों ने फॉस्कॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, ये कंपनी एप्पल के आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा और भी बहुत सी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसी के साथ वेदांता कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने ट्वीट करके ये बताया है कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होते ही जो लैपटॉप हम लोगों को इंडिया के अंदर 1 लाख रुपीज़ का देखने को मिलता है वो इंडिया में 40,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी जनरेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया ने कोई अटैम्प्ट ना किया हो सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने का। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार ये ट्राई किया है ताकि कुछ बड़ी कंपनीज इंडिया में आके सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी इंसेंटिव स्कीम अनाउंस नहीं करी थी इन बड़ी कंपनीज के लिए, इसलिए कोई भी बड़ी कंपनी इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाती थी सेमीकंडक्टर चिप्स का। लेकिन 2021 में कोविड की वजह से हम लोगों को ग्लोबली चिप शॉर्टेज देखने को मिली थी, और उसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीज़ की इंसेंटिव स्कीम इंडिया में अनाउंस की, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और टैक्स में बड़ी छूट देने की बात सामने रखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इन कंपनीज को इतने सारे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। दरअसल इस दुनिया की हर कंट्री जो चाहती है कि उसकी कंट्री में आके कोई बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, उस कंट्री की गवर्नमेंट इस तरह की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करती रहती है। और अमेरिका और चाइना में तो हर बड़ी कंपनी को भर भर के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका और चाइना पूरी दुनिया पर रूल करते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही एक मेन फैक्टर बनेगी किसी कंट्री को स्ट्रांग बनाने में। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में छोटी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई है। दरअसल पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जाने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर ये प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो सभी इस बात से डिसएग्री करते हुए नजर आए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एस्टीमेट बताया जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपीज़ का SGST यानी कि स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स मिलने वाला है स्टेट को। और जाहिर सी बात है कि इस प्रोजेक्ट से 26,000 करोड़ रुपीज़ का SGST मिलने से स्टेट की जो GDP ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ 150 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के जरिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 70,000 से लेकर 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट गुजरात में इसलिए गया है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने इन दोनों ही कंपनीज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल काफ़ी सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए हैं। इसी के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए चीप इलेक्ट्रिसिटी देने का भी वादा किया है। इसी के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 एकड़ लैंड को 99 ईयर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीज पर दे दिया है। देखो दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चालू हो जाती है तो इंडिया की जितनी भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर कहें तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्राइस भी इंडिया में काफ़ी कम हो जाएंगे। वैसे आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोगों का क्या कहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।